बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब नाभि केंद्र, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र आपका अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। आप गुरु के चरणों में चले जाते हैं, उन शक्तियों से परिचित होने लगते हैं जिन शक्तियों के बारे में आपने सुना है, जहां कहीं पढ़ा है, जहां महापुरुषों के वचनों के द्वारा सुना है। दूसरी बात, ध्यान में जाने से पहले अपने आप को क्लीन जरूर करें, अच्छे शुद्ध कपड़े पहने, स्नान करें, शावर लें, उसके पश्चात ध्यान में बैठने की कोशिश करें। जैसे हम अंतर जाप करते हैं तो ये एक प्रक्रिया है, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान का रास्ता है। मंत्र जाप करते करते आपको कहता हूं, प्राण में ध्यान करो, श्वास में ध्यान करो, तो वो भी ध्यान की एक प्रक्रिया है, एक रास्ता है। ध्यान दोस्तों, जैसे बहुत बार आपसे कहा कि किया नहीं जाता, हो जाता है। ध्यान पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाना, उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाना। जैसे आप एकाकार होते हैं तो आपकी अवस्था दूसरी हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव रहा दोस्तों कि हम ध्यान की ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं, फिर पहुंचने के बाद कभी कभी नीचे आ जाते हैं। ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है कि आप दूसरों के प्रति बहुत भावनाएं रखते हैं, उनके प्रति आपकी अलग अलग जजमेंट होती है, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, वो जो एक ऐसी भावना है दूसरों के बारे में सोचने की, बहुत नुकसान करती है। आप अपने बारे में ऐसी भावना रखें, हाँ आप अपने कारोबार में हैं, अपने काम में हैं, आप अपनी जॉब में हैं, तो वहां पूरी तरह जॉब के साथ रहें, वो भी एक ध्यान है। आप गाड़ी चला रहे हैं, पूरे ध्यान से गाड़ी चलाएं, वो भी एक ध्यान है। खाना खा रहे हैं, पूरे मन से खाना खाएं, वो भी एक ध्यान है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। पर ये ध्यान के रास्ते हैं। मैं ध्यान, कुछ चीजें ऐसी हैं जिंदगी में जो की नहीं जाती हैं, हो जाती हैं। आप देखें, आप नींद के बिस्तर पर जाते हो, वो एक नींद की प्रक्रिया है, पर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक नेचुरली आपको नींद नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें नींद लाने की, आज के युग में
30-40% लोग रात को नींद की दवाई लेके सोते हैं, पर जो ध्यानी व्यक्ति है, इवन जो साधना करने वाला व्यक्ति है, उसको कभी भी नींद की दवाई नहीं लेनी पड़ती। आप कितनी भी कोशिश करेंगे मैं नींद ले लूं, और नींद नहीं आ पाएगी। जब शांत चित हो, मन शांत है, तो आपको नींद आने लगेगी। जैसे आपने तकिए पे सिर रखा और आपको नींद आनी शुरू होगी। जिसको नींद नहीं आती है उसको कहोगे तो बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। इसी तरह से जब दोस्तों ध्यान की अवस्था में जाना है, आपको अमन हो जाना है, विचार रहित हो जाना है, ये कोशिश करके नहीं हुआ जाएगा। ये जितना जितना आप सरेंडर होएंगे, जितना उस गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता रानी के प्रति, ईश्वर के प्रति आपका विश्वास होगा, जितनी आपको पता चलेगा कि सुपर पावर की वजह से ही सब कुछ चल रहा है, जितना आपको ज्ञान होगा उतना आप सरेंडर होते जाएंगे। कभी कभी जब आप सक्सेस होते हैं तो भी वो कहते हैं कि नहीं, ये तो मैंने बहुत मेहनत किया, मेरी स्टडी ने काम किया। जब फेल होते हैं तो परमात्मा ने फेल किया। आज दोस्तों कोरोना ने हमें दिखा दिया कि कुछ ऊपर हमारे ऊपर बहुत बड़ी सुपर पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को चला रही है। तो जैसे आप नींद के बारे विचार करेंगे कि नींद आ जाए तो नींद नहीं आएगी। नींद लाने के ढंग अपनाओगे तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद को नेचुरली आना है। इसीलिए जब आप प्राण पे ध्यान करते हो, श्वास पे ध्यान करते हो, तो पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाना। और जो हमारी दूसरी क्लास, अपग्रेडेड क्लास शुरू होगी, उसमें और हम ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। अभी आप वमरू मंत्र का जाप करेंगे। वमरू मंत्र जाप करने से पहले गुरु महाराज का ध्यान करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वम रूम मंत्र का जाप शुरू करें। पहले ऊंचे स्वर में वम रूम, 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 दोहराते जाएं, करते जाएं, पूरी शक्ति के साथ करें। घर में बैठे हैं, कभी सोचते होंगे दूसरे क्या कहेंगे, किसी की परवाह नहीं, किसी की चिंता नहीं, तभी आप साधक बन सकते हैं। वम रूम, वम रूम, वम रूम, वम रूम, वम
अभी धीरे से करेंगे कि अपने लिप्स भी ना हिलें और मंत्र जाप हो, अंतर ही अंतर मंत्र को सुनने का प्रयास करेंगे। जैसे आप अभी देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको लगता है कि अभी डिस्टरबेंस वाली बात है, तो आप उसके पश्चात भी कर सकते हो, आप सीख रहे हो। जिन लोगों की प्रैक्टिस है, रोज करते हैं, उनके लिए कभी करना भी अच्छा है। स्वम रूम का मन ही मन में ध्यान जाप, नाभि चक्र पे ध्यान धीरे धीरे नाभि चक्र हमारा सेंटर पॉइंट है हमारी बॉडी का भी और स्पिरिचुअली भी। जैसे आप नाभि चक्र का ध्यान करते हैं तो बाकी चक्रों के ऊपर अपने आप प्रभाव पड़ता है। हमारी कोशिश के बिना ही बाकी के बाकी सेवन चक्र भी प्रभावित होते हैं। से ईश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे माता रानी, हे बाबा जी, हमारी नकारात्मक शक्तियों को हमसे बाहर निकालो मां, हम अच्छे रास्ते पे चल पाए, हम अपने गोल को प्राप्त कर पाए, जिस कार्य के लिए हमें माता रानी ने, प्रभु ने भेजा है वो। आपकी सभी नकारात्मक शक्तियां, आपकी नेगेटिविटी पूरी तरह से चली गई है और फिर इसके लिए अभी शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे। इस उंगली को आंखों पे रखें, अंगूठे को कान पे ऐसे रखें, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। जब तक कर सकते हैं करें, 2-3 मिनट निश्चित रूप से करना चाहिए।
आप देख लिया होगा, समझ गए होंगे। एक मिनट तक और करने की कोशिश करें। ध्यान नाभि चक्र पे, हाथ उठाएं, आंख खोलें, हाथों को देखें, ऐसे स्पर्श करें। अभी वज्रासन में बैठ जाएं। से घुटनों के बल बैठा जाता है, या जैसे नमाज पढ़ते हैं हमारे मुस्लिम भाई बैठते हैं, अभी अपने पूरी गहराई से सांस को अंदर लें, पूरी गहराई से सांस को अंदर लेना, इससे आपका पेट फूलेगा। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना। गहरे में डीपली सांस लो, जितना आसानी से रोक सकते हो रोकना। 30 सेकंड मिनिमम रोकने की कोशिश करनी चाहिए। 40, 50, 60, 70, 80 सेकंड तक ले जाना। सांस छोड़ते हुए भी, सांस लेते हुए भी ध्यान नाभि चक्र पे। अभी अपने श्वास के ऊपर ध्यान करें। आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। ध्यान नाभि चक्र पे, जबरदस्ती नहीं करना। अगर आपका ध्यान दूसरे चक्र में जाता है तो जाने देना। मजे की बात है, जैसे आप जाने दोगे वो वापस आ जाएगा। हमारा मन बच्चे की तरह है। कभी कभी बच्चे को जिस चीज से रोकते हो
जाना जाता है, आप अपना ध्यान उससे हटा लेते हैं, इग्नोर करते हैं, वो छोड़ देता है उस बात को। एक गुरु के पास कोई व्यक्ति गया, बहुत साधना करता था, उसका ध्यान नहीं लगता था। गुरु परम ध्यान की अवस्था में थे। गुरु कहते, बेटा अपने आप को क्लीन कर, अपनी नेगेटिविटी को क्लीन कर, सरेंडर हो। कहते, गुरु जी होता हूं, आप कुछ दे दो मुझे, कोई साधना। गुरु जी ने बहुत बार समझाया, गुस्से से निकाल भी दिया इतनी बार। फिर एक दिन आया, गुरु ग्रेट होते हैं, उनको पता है इस व्यक्ति को कैसे रास्ते पे लाया जा सकता है। गुरु कहते हैं, बेटा ये तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का जाप करना। तुम्हें मन में बहुत तूने कहा विचार आते हैं, तो सभी विचार तेरे बंद हो जाएंगे। एक बात मैं तुम्हें कहता हूं कि इसको तू 15 मिनट 20 मिनट के लिए भी रोज करेगा तो तेरी कोई प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो शिष्य थोड़ी दूर गया, गुरु ने आवाज लगाई, बोले, बेटा एक चीज तो मैं तुम्हें कहना भूल ही गया। बोले, दूध को मन में नहीं लाना, दूध को छोड़ देना, बाकी जो तेरे मन में विचार आते आने देना। जैसे निकला उसने छोड़ा, फिर दूध के विचार, और आगे गया दूध के साथ गाय के भैंस के विचार। जैसे ध्यान में बैठा तो फिर बार बार दूध ही दूध दिखाई दे। कितने दिन कोशिश की, पागल हो गया। बोले, गुरुवर, क्योंकि बहुत अच्छा शिष्य था, सच्चाई बोलने वाला। बोले, गुरुजी ध्यान नहीं होता, मेरे दिमाग में दूध ही दूध आ रहा है। बोले, बेटा तुम्हें तो मैं एक चीज की बात कही, इसका ध्यान नहीं लगाना। तो अब मैं तुम्हें जिस ढंग से कहता हूं उस ढंग से ध्यान लगा। उसी में ये जो प्रक्रिया आपको बताई जा रही है कि आप वज्रासन पे नाभि चक्र का ध्यान करें, अपने सांस को लें, छोड़ें गहराई से, फिर उसके बाद ओनली श्वास के ऊपर ध्यान दें, धीरे धीरे आपका सिर झुकने लगेगा। तो जैसे आप झुक जाएंगे, तो आपको कहा था कि जैसे मां के पेट में बच्चा होता है, आप वैसी स्थिति में आ जाएंगे। धीरे धीरे वैसा होने लगे, नेचुरली जिनका हुआ बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे आप ऐसी स्थिति में चले जाएंगे, आप पास्ट से लिंक हो जाएंगे। आप जैसे मां के गर्भ में पवित्र थे, पाक थे, साफ थे, ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। और जैसे दोस्तों इसमें आप पारंगत हो जाते हो, विशेष हो जाते हो, इस स्थिति में आगे बढ़ जाते हो, ऐसे ऐसे ही आपकी फिर विल पावर बढ़ने लगती है, संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है, आपका कलेक्टिव माइंड मजबूत होने लगता है, आपकी थर्ड आई खुलने लगती है। एक घंटा रोज करें। मन विरोध करेगा, मन नहीं बैठने देगा। आप ऐसे अपने गोल को पूरा नहीं कर पाओगे। हम धीरे धीरे
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपकी पांच बुराइयां हैं, पर कहीं ना कहीं ये पांच आपकी शक्ति भी हैं। इनका रूपांतरण कैसे करना है इसके ऊपर ध्यान करवाएंगे। और आप नाभि चक्रा में विशेष हो जाओ, धीरे धीरे वज्रासन को छोड़ें, सुखासन में आ जाएं, पद्मासन में आ जाएं, पालथी मत के बैठ जाएं। जो नहीं बैठ सकते, चेयर में बैठे हैं, चेयर में बैठे रहें। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले जाएं। मन में ही मन में हस कल हरीम का जाप करें, ऊंचे स्वर में नहीं करना है क्योंकि आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। आप अपने स्थिति को बांटें वक्त के हिसाब से, 10 मिनट क्लीनिंग करने के लिए दें, 5 मिनट ऊंचे स्वर में, 5 मिनट धीमे। दस पंद्रह मिनट वज्रासन में, नाभि चक्रा पे ध्यान, पच्चीस मिनट हो गए, 20 मिनट हस कल हरीम का जाप ऊंचे स्वर में, फिर स्लोली स्लोली धीरे धीरे धीरे। आपकी अच्छी स्थिति है तो फिर मन ही मन में जाप करें। आप घर में बैठे हो, अगर आपकी ध्यान की व्यवस्था अच्छी हो गई, आपका मन उठने को नहीं कर रहा तो नहीं उठना है, क्योंकि जो उस परम सत्ता की प्राप्ति होती है जब उस प्रभु के साथ एकाकार होते हैं तो वो कुछ क्षणों की बात होती है। जैसे आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हो, प्रकाश देखते हो, अलग अलग कलर का प्रकाश देखते हो, अपने इष्ट को दर्शन करते हो, गुरु के दर्शन करते हो, कभी कभी कुछ और भी दिखाई देता है, इसका मतलब आप कहीं पहुंच रहे हो। ये अंतम स्थिति नहीं है। जैसे जैसे ध्यान में आगे पढ़ेंगे, आप और प्रकाश, आप और लाइट एक होते जाएंगे। धीरे धीरे आप अपने शरीर से अलग होने लगेंगे, अपनी बॉडी से अलग होने लगेंगे, आपका सूक्ष्म शरीर और मजबूत होने लगेगा। मन में अपने संकल्प का, अपने गोल का ध्यान करते करते अपने इष्ट के चरणों में जाएं, अपने गुरु जी के चरणों में जाएं, आप चले गए उनके चरणों में,
पूरी तरह से अपने गोल को, संकल्प को छोड़ दें, पूरी तरह से अपना माथा मन ही मन गुरु चरणों में रखें, अपने इष्ट के चरणों में रखें। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनके ऊपर आपकी श्रद्धा है, जिस प्रकार की उनकी पूजा है, जिस प्रकार का उनका श्रृंगार है, वैसा करने की कोशिश करें। उनका फूलों से श्रृंगार करें, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, अच्छे अच्छे खाने का भोग लगाएं, उनको प्यार करें, उनकी आरती उतारें, जो भी उनकी पूजा पद्धति है। अब उनको अपनी कथा व्यथा कहें, अपना दुख सुख कहें। दोस्तों, सबसे सच्चे मित्र वही हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हमारा ध्यान गुरु की मूर्ति है, गुरु के अंग संग, गुरु के साथ, गुरु को सदा महसूस करना, गुरु की कृपा सदा महसूस करना। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना, ऐसा नहीं है कि गुरु जो करते हैं वो करना। गुरु जी की स्थिति दूसरी हो सकती है, आपके किसी गुरु भाई बहन की स्थिति दूसरी हो सकती है, जो आपको कहा गुरु ने उसको करना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु के वाक्य है उसी के मुताबिक चलना, वही आपका मंत्र है, तो अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। इसमें बहुत कुछ कहा गया है इसी श्लोक में। आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, सरेंडर हो जाएं। उसकी जब तक कृपा नहीं होती, सरेंडर नहीं हो पाते। कोशिश कर सकते हैं अपने गोल का ध्यान करें, अपने संकल्प का ध्यान करें। गुरु महाराज जी ने, भगवान ने आपका गोल पूरा कर दिया, ऐसी भावना करें। मां के दर्शन करना चाहते हैं तो हो गए, ऐसी भावना करें। कोई और आपका संकल्प है दुनियादारी में, शुभ संकल्प होना चाहिए। ऐसा संकल्प होगा जिसमें सबका भला होता होगा तो बहुत जल्दी पूरा होगा। आपका अकेले का है तो भी पूरा होगा, पूरा होने में टाइम लगेगा। जब आप सबका भला सोचने लगते हैं, सर्वत का भला सोचने लगते हैं, दूसरों का भला सोचने लगते हैं, आप ऐसा सोचते हैं मैं दूसरों के काम आ जाऊं कुछ। जो लोग गुरु सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, जरूरतमंद की हेल्प करते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। हम जब किसी को डाउन करते हैं दुनिया में, इसको डाउन कैसे करें, ये मेरे पास आ गया आज कोई जरूरत के लिए, कुछ हेल्प के लिए, तभी इसकी नानी जात कैसे कराऊं, इसको मैं कैसे। कहते दाएं हाथ से दान करो, भला करो, लेफ्ट को भी ना पता चले, ऐसे खुश होते हैं। आपका संकल्प पूरा हो गया, गोल पूरा हो गया, थैंक्स करें, शुक्रिया करें भगवान का, ईश्वर का, गुरु जी का। अपने आप
अपने माता पिता का अभी मयूर पंख मुद्रा करेंगे। इसी भावना के साथ थैंक्स करते हुए आपका गोल आपका संकल्प पूरा हो गया। थोड़ा सा जो आपके गुरु जी का मंत्र है उसका ध्यान, इसको 3 मिनट तक ले जाना है। कोशिश करें 3 मिनट तक जरूर होए। धीरे धीरे हाथ को उठाएं, आंख खोलें, हाथ को देखें, ऐसे स्पर्श करें, अंजलि मुद्रा करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रानी आपके सब संकल्प आप सबके गोल पूरे करें। माँ भगवान ईश्वर आपको अपने चरणों में लगाएं, आपके साथ हेल्दी रहें अच्छे रहें। नेक्स्ट संडे को फिर मुलाकात होगी। ऐसे माला को महसूस करें।